नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों आज मेरे पास में है न्यू टोयोटा रूमियन का सबसे बेस मॉडल और वो भी सीएनजी में। जी हाँ दोस्तों, जो लोग टोयोटा की रूमियन लेना चाहते हैं वो भी सीएनजी में और चाहते हैं कि भाई सबसे बेस मॉडल मिल जाए कम से कम कीमत वाला, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे रूमियन की ये लगी कि इसमें आपको ज़्यादा वेरियंट नहीं मिलते हैं, सिर्फ 3 वेरियंट आपको मिलेंगे, जिसमें कि आपको चूज़ करना बड़ा आसान होगा। बहुत छोटे छोटे करके आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसमें टोटल सिर्फ 3 वेरिएंट मिलेंगे, एस, जी एंड वी। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि मुझे लगती है वो दोस्तों ये है कि भाई इसके बेस मॉडल में भी आपको ऑटोमेटिक वाला ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही सुपर है। इवन इसका मिड अगर देखेंगे यानी कि जी वेरिएंट, उसमें आपको ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, वो सिर्फ आपको मैनुअल में ही मिल जाता है। एंड अगर बात कीजिए सीएनजी के बारे में, तो सीएनजी सिर्फ और सिर्फ आपको बेस मॉडल में मिलेगी, वो भी सिर्फ मैनुअल में, ऑटोमेटिक में नहीं मिलती है। पेट्रोल में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई देख लेते हैं कि इस बेस मॉडल में क्या कुछ खास है, लेकिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे वीडियोस आप मिस कर देंगे। बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों, अगर बात की जाए इस टोयोटा रूमियन में सबसे ज़्यादा क्या खास आपको मिल जाता है, तो नो डाउट इसका जो फ्रंट का लुक है वो आपको पूरी तरीके से बदला हुआ मिलेगा कंपेयर टू अर्टिगा। नो डाउट अर्टिगा की कॉपी है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोल भी रहे हैं, बट यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स को बदला गया है, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा डिफरेंट लुक मिल पाए। और एक मिनी इनोवा वाला जो लुक है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है इसकी फ्रंट लुक के साथ में। आप देख सकते हैं बीच में टोयोटा का लोगो मिलेगा एंड फ्रंट में प्रीमियम सी ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। एंड ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी कि बेस वेरिएंट जो इसका ऐसे, इसमें भी आपको ग्लॉसी फिनिश वाली ग्रिल आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि लुक को बहुत ही शानदार बना देती है। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्रोम का वर्क प्रॉपर पूरी तरीके से दिया जाता है, आपको ऐसा लगेगा नहीं फ्रंट लुक से कि भाई ये बेस मॉडल है। सिर्फ इसमें एक चीज़ आपको नहीं ऑफर की जाती है, वो है इसमें फॉग लैंप्स। आप देख सकते हैं फॉग लैंप्स इसमें मिसिंग है, हालांकि अगर आप चाहें तो फॉग लैंप्स आप कंपनी से लगवा सकते हैं या फिर बाहर से भी आप आराम से लगवा सकते हैं। फ्रंट में प्रोजेक्टर बेस हैलोजन हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपकी विजिबिलिटी को बहुत ही शानदार बना देते हैं एंड नो डाउट ये आपकी ड्राइविंग को भी बहुत ही कम्फर्ट बना देते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसमें कौन सा इंजन मिलेगा एंड सीएनजी में ये आपकी क्या पावर दे देता है। देख सकते हैं इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर के सीरीज का इंजन आपको मिलेगा, ये सीएनजी में है। अगर बात की जाए पेट्रोल में, तो ये आपको पेट्रोल में जो पावर देगा दैट इज 101 बीएचपी पावर एंड 136 एनएम टॉर्क, एंड सीएनजी में आपको 86 बीएचपी पावर एंड 121 एनएम का टॉर्क दे देता है। 1.5 लीटर इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही शानदार कह सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर बात की जाए ये BS6 फेज 2 वाला इंजन है, दैट्स वाई काफ़ी रिफाइंड इंजन मिलेगा, बहुत ही साइलेंट इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर माइलेज की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको भाई आप शानदार तरीके से चलाते हैं तो 26 किलोमीटर पर केजी का माइलेज इन सीएनजी आपको ऑफर करती है। एंड अगर आप पेट्रोल में देखेंगे तो आपको 20 के आसपास का माइलेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों अगर बात की इसके साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पे भी आपको फुलफिलमेंट सा नज़र आएगा, ऐसा कहीं आपको खाली या बेस सा नहीं नज़र आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टायर पे एक्चुअली व्हील कवर मिल जाते हैं, व्हील कवर गाड़ी के अंदर रखे हो, मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली आपको मिलेगा वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एग्जैक्टली जो टायर प्रोफाइल है दैट इज़ 185/65 R15 का टायर साइज आपको मिलेगा। सो यहाँ पे देखेंगे 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। बॉडी कलर ORM मिलेगा विथ टर्न इंडिकेटर, बॉडी कलर आपको डोर हैंडल भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ में दोस्तों अगर चाबी की बात की जाए, चाबी आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, जिसमें कि लॉक वॉक का बटन आपको मिलेगा। आप गाड़ी को जब लॉक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वॉइस आएगी, अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी आवाज़ आ जाती है। तो ये साइड प्रोफाइल है, काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन मिलेगा। इवन अगर आप साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो ये रूमियन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, पूरी आपकी अर्टिगा जैसे ही लगती है, बिकॉज ये अर्टिगा कॉपी है, तो साइड पे आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। बट अगर रियर में देखेंगे तो रियर में थोड़े से कुछ बदलाव आपको लग सकते हैं। नो डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रूमियन लिखा हुआ है, टोयोटा का बैचिंग आपको लोगो मिल जाता है, एस बैचिंग मिलेगी यानी कि सबसे बेस वेरियंट आपको मिलेगा। 4 पार्किंग सेंसर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, 2 रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं। साथ में देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉगर वॉशर वाइपर आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये आपको बेस मॉडल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सीएनजी का यहाँ पे आपको स्टिकर लिखा हुआ है, आपको यहाँ देख सकते हैं हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर आप चाहे तो लगवा सकते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ एसेसरी।
रियर में टेल लैंप आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत सी आपको लगेंगी, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। अब जहाँ से आप पेट्रोल को फिल करवाएंगे वहीं से ही आपको सीएनजी को फिल कराना होगा, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी सीएनजी को फिल करवा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप सीएनजी को फिल कराएंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैप ओपन कर दिया हुआ है, पेट्रोल के लिए ये ऑप्शन है एंड सीएनजी फिलिंग के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं कितने लीटर आएगी, तकरीबन 60 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ में आने वाला सीएनजी का टैंक आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। अभी देख लेते हैं कि बूट में क्या कुछ चेंज किया गया है। स्पेस भाई, सो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से परफेक्ट कवरिंग मिल जाती है, प्रॉपर इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपका टैंक रखा हुआ है जो कि 60 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ में आ जाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मिलेगा एंड सेफ्टी वाइज आपको बेहतर देखने के लिए मिल जाता है। आप इसको कुछ इस तरीके से कवर करेंगे एंड यहाँ पे आप अपना छोटा लगेज आराम से रख सकते हैं, एक दो बैग आप आराम से रख पाएंगे, अच्छा खासा आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। इवन अगर आप चाहें, मान लीजिए फैमिली में 7 लोग नहीं ट्रैवल कर रहे, 5 या 6 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आप रेयर की जो सीट है उसे भी स्प्लिट वे में फोल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ये 50-50 स्प्लिट वे में मिल जाती है। जैसे भी आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ से किया, नाउ अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा स्पेस जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से मारुति की एर्टिगा या फिर रूमियन बिकने वाली है, नो डाउट बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। आप देख सकते हैं प्रॉपर अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, सीएनजी का टैंक भी रखा हुआ है, उसके बावजूद आपको बेहतर स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई इसको करते हैं बंद, अब चलते हैं ड्राइवर साइड में, देख लेते हैं कि वहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। वेल, उससे पहले अगर आप कानपुर या यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप टोयोटा स्वर्ण टोयोटा में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पर नंबर दे दिया है। आप अगर टोयोटा की कोई सी भी गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को जल्दी बुक करके जल्दी डिलीवरी ले सकते हैं। तो चलते हैं ड्राइवर साइड में, देख लेते हैं भाई क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस टोयोटा रूमियन के बेस मॉडल में। तो सबसे पहले आप जब डोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली देखने के लिए मिलेंगी, लाइक फुलफिलमेंट पूरी तरीके से प्रॉपर आपको मिल जाती है। पीच एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर आपको मिलेगा, ये थोड़ा सा ग्रेस में है और एक टेक्चर फॉर्म में दिया जाता है। इनसाइड डोर हैंडल आपको देख सकते हैं क्रोम में देखने के लिए मिलेगा एंड ये है ड्राइवर साइड की जो विंडो, वन टच अप एंड डाउन फंक्शन के साथ में आएगी, चारों पावर विंडो मिल जाती है, लॉक ऑन का बटन आपको देखने के लिए मिलेगा, सच चाइल्ड सेफ्टी लॉक प्लस में ORVMs के कंट्रोल भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि हर चीज़ आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगी, कोई भी ऐसा बेस वाला सीन आपको नज़र नहीं आने वाला है। आप इस सिंगल बटन के थ्रू अपने ORVM को क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। तो फीचर्स के मामले में भाई इसमें सारी चीज़ें प्रॉपर आपको मिल रही, कोई भी चीज़ कमी आपको नहीं नज़र आएगी। 4 स्पीकर आपको इसमें मिलने वाले हैं, 1 लीटर की बोतल कैरी कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे सीट के बारे में तो सीट में कंफर्ट आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा, बट आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप इसे रिक्लाइन वे में कर सकते हैं, आप आगे पीछे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट हाइट एडजस्ट। और अगर बात की जाए स्टेरिंग के बारे में तो स्टेरिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको मिलेगा, लेदर रैप वगैरह ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, डी कट शेप में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी अलग चीज़ है, प्लस ये थोड़ा सा आपका हार्ड लेदर टाइप का आपको मिलेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा आपको प्लास्टिक का मटेरियल आपको देखने के लिए मिल जाता है। बीच में टोयोटा का लोगो है, अगर आप इसको ऐसे मुन देंगे यानी कि इसको अगर ढक देते हैं तो फिर आपको कहीं से भी ये रूमियन या फिर अदर प्रोडक्ट नहीं लगेगा, जस्ट बिकॉज सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अर्टिगा के देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड कराएंगी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वेल, स्टेरिंग की अगर बात की जाए तो आप इसे टिल्ट वे में एडजस्टमेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, टेलीस्कोपिक आपको इसमें नहीं मिलेगा। राइट साइड आपके यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल है, देख सकते हैं दोस्तों। लेफ्ट साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। ये है आपका मीडिया कंट्रोल्स, नीचे आपके कुछ मिलते हैं, कॉल रिसीव कट एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। टोटल आपको इसमें 2 एयरबैग्स मिलते हैं जो कि सेफ्टी पर्पज़ से, बाकी ABS विथ EBD AC ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाकी फ्यूल चेंज करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, आप क्लिक के थ्रू आराम से पेट्रोल से CNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ देर आप प्रेस करेंगे देन इट विल गो टू CNG, जैसे अभी ये CNG हो चुकी है, एक हल्की सी आवाज़ आएगी एंड ये आपका CNG में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे
कुछ इस तरीके से ग्रीन में लिख के आ रहा है सीएनजी। बाकी लेफ्ट साइड आपका टैकोमीटर है, राइट साइड आपका स्पीडोमीटर है, 220 की टॉप स्पीड है। बीच में आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी और जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ड्राइविंग का टाइमिंग, कितने किलोमीटर कैसे क्या, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर मिलेगी। इवन टाइम एंड आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। फ्यूल गेज आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये सब एंड सीएनजी का फ्यूल गेज आपको लेफ्ट साइड मिलेगा। ये चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगी कि डिस्प्ले वे में नहीं मिलती है, प्रॉपर आपको फ्यूल गेज सीएनजी का लेफ्ट साइड है और पेट्रोल का राइट साइड आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब हर चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से क्लियरली आपको दिखाया जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिलेगा, हेडलैम्प एडजस्टेबल आपको मिल जाता है, साथ में ये थोड़ा सा पॉकेट का सामान आपको छोटा मोटा कुछ कागज़ वगैरह है तो वो आप आराम से रख सकते हैं। ना अगर बात की जाए एंटरटेनमेंट पर्पज़ से क्या कुछ मिलेगा, वेल टोटल आपको 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। ये है आपका टच में मिलने वाला ऑडियो सिस्टम, जैसे बहुत लोग को अगर नहीं पसंद है वीडियो वगैरह, आप ऑडियो सिस्टम चाहते हैं वो भी टच में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यहाँ पे अपना FM है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आप म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। बाकी मीडिया, रेडियो, ये सारी चीज़ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके थ्रू आप इसको बंद भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसको कर दिया है। बाकी AC के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, प्रैक्टिकल वे में आपको यूज़ होने वाले सारे AC कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। नीचे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, एक USB पोर्ट एंड ऑक्स केबल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। 2 कप होल्डर हैं, 5 गियर मैनुअल स्पीड के साथ में गाड़ी आ जाती है। यहाँ पे जो 2 कप होल्डर आप रखेंगे इसे कूल भी कर सकते हैं, सपोज़ अगर आप कैन वगैरह पीते हैं या फिर ड्रिंक, सपोज़ जो आपकी पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक आती है कैन में, तो आप उसे आराम से ठंडा रख सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर है। बाकी बीच में आपको बहुत ही अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, आर्मरेस वगैरह से कुछ नहीं मिलेगा, ये चाहें तो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। यहाँ पर रियर में एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको अवेलेबल हो जाता है। साथ में दोस्तों अगर आप डैशबोर्ड में देखेंगे तो एक प्रीमियमनेस आपको नज़र आती है, ये जो स्लीक वाला डिज़ाइन है, सिग्नेचर प्रीमियम डिज़ाइन एक्चुअली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है डैशबोर्ड में, वो चीज़ बहुत ही प्यारी लगेगी। ग्लव वर्क्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, अच्छा खासा आपको ग्लव वर्क्स मिलेगा, ये देख सकते हैं पैटर्न काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा एंड थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कंपेयर टू अर्टिगा। टेक्चर फॉर्म का यहाँ पे यूज़ किया गया है। बाकी डे नाइट नॉर्मल्स आपका रियर व्यू IR में आपको मिलेगा, हैलोजन रूफ लैंप आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, हेड लैंप निकल गया। बाकी लेफ्ट साइड आपको देख सकते हैं एक वेंटी मिरर मिलेगा, राइट साइड आपको टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो दिस इज़ द बेस मॉडल ऑफ रूमियन। अब चलते हैं इसके रियर साइड में कि भाई अगर रियर में पैसेंजर साइड बैठेंगे तो उन्हें क्या कुछ सुविधा देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले जब आप डोर पे जब आप एंटर करते हैं रियर साइड में, तो नो डाउट अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको थोड़ा सा करते हैं आगे, देन यू कैन चेक इट कि भाई बेहतर लेग स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पे हेडरूम भी ज़बरदस्त मिलता है। और सबसे बेहतर चीज़ दोस्तों वो ये है कि रूफ़ पे आपको यहाँ पे AC वेंट देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पे फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, मीन्स ये चीज़ आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो इसको करते हैं बंद। अब आप देखेंगे कि रियर में पहली चीज़ तो आपको बता देंगे 3 लोगों के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल है सच में। पता है क्यों? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में आपको हम्प नहीं मिलता है, प्रॉपर पूरा फ्लैट आपको मिलेगा। दैट्स वाई बीच वाला जो बंदा है बहुत ही कंफर्टेबली आराम से राइड को, अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकता है। बाकी चार्जिंग सिस्टम भी आपको मिलेगा एंड दो लोगों के लिए यहाँ पे हेडरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आर्मरेस्ट आपको मिलेगा, देख सकते हैं क्या इसमें कप होल्डर मिलता है या नहीं, तो भाई कप होल्डर आपको नहीं मिलेगा बट आर्मरेस्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट का ऑप्शन आपको बोथ साइड देखने के लिए मिल जाता है। बाकी 3 आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी कि बीच में जो बंदा बैठेगा भाई बिना सीट बेल्ट लगाए नहीं बैठ सकता है, जो कि कंपलसरी हो गया है। एंड अब तो रियर सीट में अलार्म भी आने लगा, लाइक अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हो तो फिर वो टी टी करके आवाज़ आपको देती रहेगी जब तक आप इसे बंद नहीं कर देते। बाकी 60-40 का आपको स्प्लिट सीट में ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको पीछे साइड में जाना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है वो भी चल के देख लेते हैं। अगर आपको सबसे पीछे वाली सीट में जाना है, आपको सिंपल से क्या करना है, ये आपको एक ऑप्शन आपको मिलता है, आपको इसे प्रेस करेंगे, सीट को फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पे कर आप इसे आराम से आगे कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो पीछे वाली सीट थी मैंने वापस से उसको अपनी जगह कर दिया है। नाउ अब आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। क्या हम इसे रिक्लाइन कर पाएंगे, ये एक ऑप्शन आपको देख सकते हैं। सबसे पहले हेडरेस्ट एंड नाउ सकते हैं यहाँ पे आपको रिक्लाइन करने का ऑप्शन आपको मिलता है एंड कुछ इस तरीके से आप इतना रिक्लाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ सबसे पीछे वाली सीट में, दोनों सीटों को मैंने
प्रॉपर जितनी रिक्लाइन होती है उतनी मैंने कर दी है और एडजस्ट भी कर ली है। एंड ये वाली सीट अपनी जगह पे है। अब आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पैर इसमें बिल्कुल लग रहे हैं, चिपक रहे हैं 1% भी, आराम से आप बैठ सकते हैं, लेग रूम में कोई दिक्कत खास बात नहीं आएगी। एंड जनरली जो मैंने अदर कंपनीज में देखा है कि रेयर से वाली जो सीट होती है आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बट अगर यहाँ पे देखेंगे तो एडल्ट भी थोड़ा सा 100-150 किलोमीटर की जर्नी आराम से कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम खास उतनी नहीं होने वाली है। बढ़िया सी क्वार्टर विंडो आपको मिल जाती है, आप बाहर के नज़ारे भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ में आपको क्या है कि एसी के जो वेंट्स हैं वो प्रॉपर आपको मिल जाते हैं, एंड जो सीट है आप देख सकते हैं आपको सामने भी प्रॉपर अच्छी तरीके से जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही क्लियर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी, यानी कि दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। हालांकि नो डाउट सबसे पीछे वाली जो सीट होती है वो बच्चों के लिए ही होती है, एंड बट इसमें एडल्ट भी आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा कोई इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हेडरूम भी अच्छा खासा आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, बाकी दो आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, रियर में दो कप होल्डर आपको मिलेंगे, बोथ साइड अपना आराम से बोतल वगैरह रख लीजिए। एंड चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, चार्जिंग पॉइंट आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है न्यू टोयोटा रूमियन। अब बात करते हैं कि ये आपको अर्टिगा से क्या खास मिलेगा। दोस्तों अगर बात की जाए टोयोटा रूमियन सीएनजी में ये आपको कितने की पड़ेगी, तो ये आपको एक्स्ट्रा कीमत पड़ती है 11,24,000 रुपए की कीमत में, और ये ऑन रोड आपको पड़ेगी जाके तकरीबन 13,20,000 रुपए की कीमत में। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको बेस मॉडल मैनुअल पेट्रोल में अगर आपको लेना है तो पेट्रोल की कीमत पर रहेगी 10,29,000 रुपए की एक्स्ट्रा कीमत में, जो कि ऑन रोड तकरीबन आपको 12,18,000 रुपये में पड़ जाता है। वहीं पर अगर आप चाहें तो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट भी ले सकते हैं, जो कि आपको 11,89,000 रुपये कीमत पड़ेगा, एंड ऑन रोड तकरीबन आपको 13,95,000 से यानी कि 14,00,000 के आसपास में आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको 2 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, जो कि आपको पिक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड कराती है, और ये चीज़ काफ़ी शानदार। दोस्तों कैसी लगी ये टोयोटा रूमियन का सबसे बेस मॉडल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में आप बहुत सारे भाई लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आपको सब्सक्राइब करने के लिए सिंपल से क्या करना है, वो रेड वाला जो बटन है उसे प्रेस करना है, और अगर हो सके तो घंटी दबा दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी सब्सक्राइब कर देंगे इतना ही बहुत है। हमें मोटिवेशन मिलती है आपसे काम करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है आपके लिए न्यू कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं नए लोग साथ में, थैंक यू सो मच।